जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की प्रभु जी। जय बोले। बिजी तो नहीं आप? राजेश भाई, क्या हाल है? कृपा है भोलेनाथ जी की पूरी। आप सुनिए, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आनंद मंगल है। अच्छा अच्छा, अभी बिजी तो नहीं आप? नहीं नहीं, बिजी हमारा काम कुछ नहीं, बताइए। अच्छा, दूसरा तो मैं कह रहा था कि पहला तो आपने अपना बस का सीट नंबर वगैरह चेक कर लिया वीडियो में? कौन सा? आपका जो सीट नंबर आपको दिया था मैंने, वो वीडियो में चेक कर लिया आपने? हाँ, चेक कर लिया। ओके। हाँ। अच्छा, दूसरा ये था, इस बार हम कोशिश करेंगे कि पहलगांव में और बाबा जी गुफा पे एडवांस में टेंट बुक करा दें। हाँ बरोबर है। तो आपका पता है ना, राजू जी, सब लोगों ने आपको हाँ ही बोला है, फिर भी आप तकलीफ करके सबसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, पूछना इस बार जो बनता है कल को, एक सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर पता डर वही रहता है कि सब लोगों ने आपको हाँ बोला है, डर वही रहता है जो फूलों के साथ कांटे आते हैं ना एक दो, हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सबसे पूछ लेते हैं पहले। यात्री वही हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने एक शब्द उसमें बोला था कि जिसको ना हो वो फोन करे, बाकी सबको मैं हाँ समझूंगा, लेकिन मैं आज वही सोच रहा था करके कि आप सबको वही बोल रहे, तो आप कितने जन से बात करेंगे भाई? आप भी तो नहीं, आप थोड़ा अपना भी सोचो, अगर किसी को नहीं करना है तो वो खुद ही मैसेज करेगा आपको, वही राजेश भाई हमको नहीं करना है टेंट। कई लोग फिर ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं ना, आप सोच सकते कि हमारे यहाँ किसी की डेथ होगी, हमने वीडियो देखी और आपने हमारा टेंट क्यों बुक कर दिया। बहुत फंसना पड़ता है, आपको पता है बस की बुकिंग में मैंने 15 दिन लगाए, बल्कि जो काम था ये 4 या 5 दिन का था, कई लोगों ने फोन नहीं उठाया, तो अब उनकी सीट में अपनी तरफ से बुक करता तो नहीं, हमें तो लेफ्ट व्यू चाहिए था, हमें तो राइट व्यू चाहिए था, तो इस चक्कर में बहुत कुछ सोचना पड़ता है जहाँ हम काम करते हैं उस लेवल पे ना। चलो कोई बात नहीं, एक राजेश, इसके लिए पहले ही मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि आप करवा लो जो भी है। मैंने व्हाट्सएप ना देखना बंद कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप में हो गया 4,000 के ऊपर मैसेज, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही खोलने की। ये सारा काम निपटाने के बाद फिर एक बार व्हाट्सएप को खाली करना शुरू करूंगा, जब जाके बहुत ज्यादा मैसेज हो गए। एक्चुअली मैं दिल्ली गया भंडारा पैक करने के लिए, और उस दौरान इतने मैसेज हो गए कि अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही व्हाट्सएप का रिप्लाई करने का। तो जो ऊपर अभी आप भंडारे के लिए पूछ रहे हैं सबसे कि भंडारे का आपका देना है कि नहीं देना है? हाँ जी हाँ, वो तो पूछना पड़ेगा, वो तो मैंने कहा कौन बोलेगा नहीं देना है भंडारे के लिए? अरे राजेश भाई, कौन बोलेगा नहीं देना है? एक आदमी बचने के लिए सारा काम होता है ना, ठीक है। ठीक है, और आपकी यात्रा की तैयारी आपके मैं भंडारे की कर दूंगा, टेंट का भी कर दूंगा, और यात्रा जुड़ा कोई आपका सवाल जो आपको पूछना हो कोई? नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं राजेश भाई, बड़ी तैयारी चल रही है, सब पूछ रहे हैं, मैं वही देख के अपना जवाब ढूंढ रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया किया यार, आप सब जो पूछ रहे हैं उसी से जवाब ढूंढ लेंगे अपना, है पूछ रहे हैं उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, कोई वादा नहीं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आपने जूते वूते ले लिए अपना? सारी तैयारी हो गई आपकी? सब ले लिया, बैग वगैरह ये सब ले लिया, हो गया सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया, तो आप तैयारी कीजिए फिर भी। एक और बात याद आई थी, आपका वीडियो देखा था कि पैदल नहीं कर पा रहे तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ो। हाँ जी हाँ जी, अगर जो नहीं कर पा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं तो वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ेंगे तो सिर्फ स्टैमिना बन जाता है, क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी आपसे बात करता करता हूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ये बात है राजीव भाई, जिनको ये सफर करना है ना तो उनको आपकी वीडियो ये जरूर देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए, रोज को एक दो तो, आप 3 डालते हो कम से कम एक देखे, 4 डालते हो 2 तो देखे ही देखे कम से कम। सर बिल्कुल है, मैं कहता हूँ हमारे अगर 400 यात्री हैं, 400 में से 390 जरूर देखते हैं, और सबका रिप्लाई बहुत अच्छा, अभी तक जितना रिस्पॉन्स है ना, एक ही यात्री का जितना मैंने डाला नहीं है, जिसने तैयारी नहीं की है, और जब मैंने 2 दिन सवाल पूछे तो मुझे गुस्सा हो गया वो कि मैं क्या करूंगा, मैं ये है वो है, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरी जॉब है, उनका मैंने डाला ही नहीं। बाकी 390 यात्री जो ना, उन्होंने तो कोई सवाल और बहुत अच्छे क्वेश्चन, और सब बड़े खुश है यात्रा पे आने के लिए, इकट्ठे यात्रा करने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी अपनी तैयारी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।